रोज नई 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 यूट्यूब अभी आप लोग देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से सारे हमदम शाही तशरीफ फरमा है और मेरे छोटे भाई 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 आपके खतीब इमाम हाफिज़ और क़ारी आफ़ताब साहब तशरीफ रख रहे हैं। मेरे बड़े भाई भाई शौकत भाई की बड़ी विक्रम नवाजी हुई हुई कि अपने ससुर के घर पे मुझे लेकर आ गए क्योंकि इनके ससुर तो ज्यादातर हर मैं शहर के जा रहे हैं और इनकी इनसे आप हजरात को दुआ लेनी है मुझे भी दुआ लेनी है उस गरज से मैं आया हूँ। आइए मैं सारा कुछ ना बोलकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुजरत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़े पढ़े बल्कि वहां से मनाओ फसलिया ना सैयदना शहीदा है मना लबिया ना मौला मोहम्मद तारिक सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग तैयार हैं नफरत को मिटाने आए हैं नफरत को मिटाने आए हैं दीवाना बनाने आए हैं नफरत को मिटाने आए हैं नफरत को आए दीवाना बनाने आए हैं नफरत को मिटाने आए हैं नफरत को दुश्मन को भी अपने सीने से सरकार लगाने आए हैं दुश्मन को भी अपने सीने से सरकार लगाने आए हैं दुश्मन को भी अपने सीने से सरकारे लगाने आए देखिए उलमा इकराम की दुआ से नवाज अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है तमाम तर उलमा इकराम की उम्र में पनाह भरना चाहता हूं कैया में बहुत प्यारे शेख हुजूर की अजमत हजरत जिब्रील नफरत को मिटाने आए हैं बस इतना सबक है होठों को बस इतना सबक है होठों को हलवे से लगाया के बस इतना सबक है होठों को बस इतना सबक है
देखिए ये माहौल आप लोग देखिए, जितने भी हमको लगता है जितने लोग जितने लोग पैसा भी ला रहे हैं हमारे बल्कि हमारे गांव के नजर आ रहे हैं, पैसा नहीं देंगे माशाल्लाह अपनी जबान आप लोग की जबान है सुभानअल्लाह माशाल्लाह कहना एक मतलब कहीं सुभानअल्लाह नफरत को मिटाते आए हैं होंगे हिंदी कबाब किया शेर के जरिए आए हैं।